नेक्स्ट हम फ्लोरा की बात कर लेते हैं। फ्लोरा मीन्स वेजिटेशन, मतलब इक्वेटोरियल रीजन में पाई जाने वाली वेजिटेशंस कैसी होती हैं, इसमें हम जानेंगे। फ्लोरा मीन्स द वेजिटेशन। इक्वेटोरियल फॉरेस्ट्स कंप्राइज डेंस रेन फॉरेस्ट। इक्वेटोरियल रीजन में जो भी जंगल है वो काफ़ी घने जंगल होते हैं और वो वर्षावन यानी रेन फॉरेस्ट्स होते हैं। दीज आर एवर ग्रीन फॉरेस्ट विच आर मार्क्ड बाई लग्जूरियंट ग्रोथ ऑफ ट्रीज़। और रेन फॉरेस्ट में जो है वो एवरग्रीन फॉरेस्ट भी होते हैं, ठीक है। द ट्रीज़ आर सो डेंस दैट वेरी लिटिल सनलाइट रीचेज द ग्राउंड। दे आर नोन एज रेन फॉरेस्ट बिकॉज दे थ्राइव ऑन हैवी रेनफॉल। कुछ कुछ जगहों में जंगल इतने घने हैं कि सूरज की रोशनी भी ठीक से ज़मीन तक नहीं पहुंचती है। इसका कारण ये है कि यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा रेनफॉल होती है जिसकी वजह से यहाँ के जंगल जो है काफ़ी घने हैं। इक्वेटोरियल फॉरेस्ट्स हैव अ फोर टीयर लेयर ऑफ वेजिटेशन। सो जो चार लेयर हैं आप इस इमेज में देख सकते हैं। जो सबसे बॉटम्स जो सबसे निचला लेयर है वो है फॉरेस्ट फ्लोर, फिर उसके ऊपर जो दूसरा लेयर है वो है अंडर स्टोरी, फिर तीसरा लेयर जो है वो है कैनोपी, और सबसे ऊपर का लेयर जो है वो है एमर्जेंट लेयर, ठीक है। सो दीज आर द फोर लेयर्स ऑफ द रेन फॉरेस्ट फाउंड इन इक्वेटोरियल रीजन। द लेयर अबव इट इज़ नोन एज द अंडर स्टोरी। जो सबसे निचला लेयर है फॉरेस्ट फ्लोर, उसके ऊपर के लेयर को क्या बोलते हैं हम, अंडर स्टोरी। इट कंप्राइजेज स्मॉल ट्रीज, श्रब्स, क्रीपर्स एंड वाइन्स। इस लेयर में ज़्यादातर झाड़ियाँ होती हैं, ठीक है, और स्मॉल ट्रीज़ और प्लांट्स होते हैं, क्रीपर्स होते हैं इस लेयर में। अबव दिस लेयर इज़ द अम्ब्रेला लाइक लेयर कॉल्ड कैनोपी। और इसके ऊपर का जो लेयर होता है उसे हम कैनोपी बोलते हैं, जो अम्ब्रेला लाइक होता है छाते की तरह। इट कंसिस्ट्स ऑफ टॉल ट्रीज़। इसमें जंगल के ऊंचे ऊंचे पेड़ होते हैं। द टॉलेस्ट ट्रीज फ्रॉम द टॉप मोस्ट लेयर नोन एज द इमर्जेंट लेयर। और जो सबसे ऊपर का लेयर जो होता है जिसे इमर्जेंट लेयर भी कहते हैं, इस लेयर में जंगल के सबसे ऊंचे पेड़ पाए जाते हैं, ठीक है। द फॉरेस्ट अपीयर्स एवरग्रीन बिकॉज डिफरेंट टाइप्स ऑफ ट्रीज शेड देयर लीव्स इन डिफरेंट सीजन। इन फॉरेस्ट को एवरग्रीन फॉरेस्ट इसलिए कहते हैं क्योंकि इनमें पाए जाने वाले डिफरेंट अलग अलग तरह के पेड़ जो है अलग अलग समय में अपने पत्ते शेड करते हैं, यानी उनके पत्ते अलग अलग समय में झड़ते हैं, जिसके वजह से ये फॉरेस्ट जो है हमेशा हरा भरा नज़र आता है। दिस इज़ द रीज़न वाई दिस फॉरेस्ट आर कॉल्ड एवरग्रीन फॉरेस्ट। और इस फॉरेस्ट में पाए जाने वाले कुछ इंपॉर्टेंट ट्रीज़ जो हैं वो है इबोनी, महागनी एंड रोज़ वुड आर सम ऑफ द ट्री स्पीसीज फाउंड इन दिस फॉरेस्ट। ओके, नेक्स्ट हम फौना की बात कर लेते हैं। फौना मीन्स द एनिमल्स। सो इस रीजन में किस किस टाइप के एनिमल्स पाए जाते हैं वो हम जानेंगे। इक्वेटोरियल फॉरेस्ट हैव एन एग्जॉटिक वाइल्ड लाइफ। द अमेजोन रेन फॉरेस्ट इज़ द स्टोर हाउस ऑफ द वर्ल्ड्स मोस्ट अमेजिंग एनिमल स्पीसीज लाइक एनाकोंडा, ग्लास फ्रॉग, गोल्डन लायन, टैमरीन, अमेजन रिवर डॉल्फिन एंड इगुआना। इस रीजन में आपको काफ़ी एग्जॉटिक एनिमल लाइफ देखने को मिलेंगे। बहुत अलग अलग टाइप के एनिमल्स पाए जाते हैं, जैसे अमेजन फॉरेस्ट में आपको एनाकोंडा जैसे स्नेक्स मिलेंगे, ग्लास फ्रॉग मिलेंगे, गोल्डन लायन टैमरिन्स मिलेंगे आपको, अमेजन रिवर डॉल्फिन आपको मिलेंगे, एज वेल एज इगुआनाज। द कॉन्गो बेसिन एंड द फॉरेस्ट ऑफ साउथ ईस्ट एशिया आर नोन फॉर प्राइमेट स्पीसीज लाइक गोरिल्ला, चिंपांजीज एंड ओरंगुटैन। अदर देन अमेजन फॉरेस्ट, कॉन्गो बेसिन और साउथ ईस्ट एशिया के फॉरेस्ट्स में आपको कुछ एनिमल्स स्पेशल एनिमल्स पाए जाते हैं, जैसे गोरिल्ला, चिंपांजीज एंड ओरंगुटैन्स। ये मैनी स्पीसीज ऑफ मंकीज लाइक द होलर मंकी, स्क्वेरल मंकी एंड बबूम्स ऑल्सो इन्हेबिटेड दिस जंगल्स। और इन मंकीज़ के अलावा अदर जो स्पीसीज़ होते हैं मंकी के वो भी पाए जाते हैं, जैसे होलर मंकी, स्क्वेरल मंकी एंड बबूंस। बर्ड्स लाइक टू कैंस, मकाउज, हमिंग बर्ड एंड पैराकिट्स रिसाइट इन दिस टाइप ऑफ वेजिटेशन।
तो आप इन पिक्चर्स में देख सकते हैं, दिज आर ओरेंगो टैंक्स, दिस वन इज़ गोरिला एंड दिस वन इज़ कोबरा, स्पेशली फाउंड इन एशियन रीजन, एंड दिस वन इज़ कैरिबियन फॉरेस्ट टूकॉन्स। ठीक है, दिस बर्ड्स नेम इज़ टूकॉन्स, ये कैरिबियन फॉरेस्ट में पाए जाते हैं। नेक्स्ट पीपल, यानी कि इक्वेटोरियल रीजन में रहने वाले लोगों की बात कर लेंगे हम। सो इक्वेटोरियल फॉरेस्ट आर वेरी थिक एंड रिमेन लार्जली इनएक्सेसिबल, दे आर मेनली इनहेबिटेड बाई नेटिव्स और ट्राइबल्स। इक्वेटोरियल रीजन में फॉरेस्ट काफ़ी डेंस है, सो ज़्यादातर हिस्से जो इनएक्सेसिबल है यानी इंसान वहाँ तक पहुँच नहीं सकते हैं, तो ऐसे रीजन में आपको नेटिव्स और ट्राइबल्स मिलेंगे, ऐसे लोग जो जंगलों में रहते हैं जंगली लोगों की तरह। ठीक है, दिस इंक्लूड नेटिव्स ऑफ द अमेजोन बेसिन, पिगमीज ऑफ द कॉन्गो बेसिन, जारावाज ऑफ द अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स, एंड सेमांग्स ऑफ मलेशिया, कूस ऑफ सुमात्रा एंड डायक्स ऑफ बोर्नियो। सो मैनी ऑफ दिस ट्राइब्स लीड अ नोमैडिक लाइफ, दे लिव मेनली बाई हंटिंग, दे ऑल्सो प्रैक्टिस सब्सिस्टेंस फार्मिंग एंड शिफ्टिंग कल्टिवेशन। इन जंगलों में पाए जाने वाले रहने वाले लोग जो हैं वो ज़्यादातर नोमैडिक लाइफ जीते हैं, जंगली जीवन जीते हैं, और वे ज़्यादा निर्भर करते हैं हंटिंग पे यानी शिकार करने पे, और वो फार्मिंग भी करते हैं और कल्टिवेशन भी करते हैं वहाँ पे अपने भोजन के फुलफिलमेंट के लिए। इन सब्सिस्टेंस फार्मिंग, फार्मर्स कल्टिवेट जस्ट अबाउट इनफ टू सस्टेन देमसेल्फ एंड देयर फैमिलीज। तो सब्सिस्टेंस फार्मिंग का मतलब क्या है, वहाँ के लोग उतना ही खेती करते हैं जितना उनको ज़रूरत है और जितना उनके फैमिली को ज़रूरत है, उससे ज़्यादा वो वहाँ पे फार्मिंग या कल्टीवेशन नहीं करते हैं। इन शिफ्टिंग कल्टीवेशन, फार्मर्स बर्न एंड क्लियर अ पैच ऑफ फॉरेस्ट लैंड, दे कल्टीवेट द सॉइल टिल इट्स लूजेस इट्स फर्टिलिटी। शिफ्टिंग कल्टीवेशन का मतलब है कि लोग वहाँ पे आग के मदद से वहाँ पे ज़मीन पे आग लगा के मैदान को साफ़ करते हैं ताकि वो वहाँ पे एग्रीकल्चर कर सके, और वो तब तक कल्टीवेशन करते हैं जब तक कि वहाँ की ज़मीन की मिट्टी की जो फर्टिलिटी है वो ख़त्म ना हो जाए। देन दे शिफ्ट टू अनदर एरिया एंड कंटिन्यू द सेम प्रैक्टिस। उसके बाद जब वहाँ की मिट्टी की फर्टिलिटी ख़त्म हो जाती है, एग्रीकल्चर पॉसिबल नहीं होता है, तब वो वहाँ से किसी और जगह पर शिफ्ट कर जाते हैं, चले जाते हैं, एंड दे डू द सेम थिंग, और फिर वहाँ पर वो वही काम शुरू कर देते हैं, दे स्टार्ट शिफ्टिंग कल्टिवेशन। ओके, दिस ग्रुप्स ऑल्सो कैरी आउट लाइफ स्टॉक रियरिंग एंड फिशिंग टू सप्लीमेंट देयर डाइट। और इस तरह के लोग वहाँ पे जानवरों को भी पालते हैं अपनी ज़रूरत के लिए, और फिशिंग यानी मछलियाँ भी मारते हैं अपने भोजन के लिए। ठीक है, रिवर्स ड्रेनिंग दिस फॉरेस्ट्स ऑफर इनलैंड नेविगेशन एंड फिशिंग अपॉर्चुनिटीज़, मिनरल्स लाइक नेचुरल गैस एंड पेट्रोलियम आर माइंड इन अमेजन फॉरेस्ट। अमेजन फॉरेस्ट रीजन में, कुछ कुछ रीजन में पेट्रोलियम प्रोडक्ट की भी माइनिंग होती है और नेचुरल गैस की भी माइनिंग होती है, एंड कॉपर एंड प्रेशियस स्टोन्स आर माइंड इन द कॉन्गो बेसिन। और कॉन्गो बेसिन में कॉपर जैसे प्रेशियस मेटल की भी माइनिंग होती है और कुछ प्रेशियस स्टोन की भी माइनिंग होती है। सो स्टूडेंट, दिस इज़ द एंड ऑफ दिस लेसन। अगले वीडियो में हम इस लेसन के एक्सरसाइज को कंप्लीट करेंगे। थैंक यू।